तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ इस हेलमेट की टेस्टिंग करके, एंड कैसी रही वो टेस्टिंग सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक जरूर देखना। हेलो एंड नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर। गाइस आज हम अनबॉक्सिंग, ऑनेस्ट रिव्यू एंड हैंड्स ऑन करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन हेलमेट का, जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। एंड गाइस जो हेलमेट है उसका मॉडल है SBH-34 एंड उसको बनाया है इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ हेलमेट जो कि है स्टीलबर्ड। तो गाइस बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस यहाँ पे आप स्टीलबर्ड की ब्रांडिंग देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर, एंड अगर मैं इस साइड पर बॉक्स को आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस लिखा हुआ है जो कि है 1349, पर ये आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगा अराउंड 1150 or 1200 रुपये में। आप नीचे दिए गए लिंक से अमेजन या फिर दूसरी वेबसाइट ट्राई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसका मॉडल भी लिखा हुआ है जो कि SBH-34। उसके अलावा ये आर्टिकल भी लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे इसका कलर लिखा हुआ है गाइस मैट ब्लैक। ये एक और कलर में अवेलेबल है, बाकी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका साइज़ है गाइस 58 सेंटीमीटर, 580 mm। ये गाइस टोटल 5 साइज में अवेलेबल है। तो मैं आपको वीडियो के अंदर जब मैं हेलमेट खोल के दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके और कौन कौन से साइज़ मिलते हैं। तो गाइस चलो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं एंड फिर देखते हैं हमें इसके अंदर कैसा हेलमेट मिलने वाला है। तो गाइस बॉक्स से हमने हेलमेट को निकाल लिया है, एंड आपको ऑरेंज ऑरेंज इसके अंदर दिख रहा होगा, मैं भी आपको पूरा निकाल के दिखाता हूँ। पहली चीज़ गाइस जो मुझे फील हुई कि हेलमेट बहुत ज़्यादा हल्का है, जैसे मैंने इसको निकाला तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है जो कि बेस्ट बात है। और गाइस माय फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अमेजिंग, वाओ बहुत ही बढ़िया। क्योंकि गाइस इसके जो ग्राफिक्स है ना यार, आप देखो यहाँ पे क्या मतलब मैट ब्लैक के ऊपर ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा डेडली लग रहा है। और ऊपर लिखा क्या है देखो, जय श्री राम, यहाँ पे राम जी भी बनाए हुए हैं, बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। और यहाँ पे गाइस जो इसका राम मंदिर है वो कितना भव्य लग रहा है, उसका पूरा यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, एंड पीछे भी लिखा हुआ है जय श्री राम। यहाँ पे भी पूरा राम मंदिर का मॉडल बनाया हुआ है, दोनों तरफ गाइस इसके राम जी बनाए हुए हैं जो कि बहुत बेस्ट बात है। एंड जिसने भी इसके ग्राफिक्स किए हैं ना गाइस, बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही दिल से किए हैं। गाइस आपको अगर इसके ग्राफिक्स अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताओ नीचे, एंड नीचे कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखो। और गाइस ये जो मैट फिनिश है इसकी, ये बहुत ही सही लगती है। अगर मैं आपको हेलमेट की क्वालिटी के बारे में बात करूँ इसकी, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और पीछे से गाइस ये देखो आप, जो नॉर्मल हेलमेट आते हैं उसमें 2 रिफ्लेक्टर होते हैं छोटे छोटे, पर यहाँ पर पूरा लंबा दिया हुआ है जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि नाइट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये रिफ्लेक्टर। पीछे स्टीलबर्ड की ब्रांडिंग है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका वेट 1050 ± 50 ग्राम। वैसे मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा है मुझे, अगर गाइस हाथ में हल्का लग रहा है तो सिर पे भी हल्का लगने वाला है, जो कि एक बहुत ही सही बात है। अब आगे चलते हैं गाइस, आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं SB की ब्रांडिंग। उसके बाद गाइस यहाँ पे ना ये देखिए, ये वेंट है जो खुलते बंद हो जाते हैं, अब ये बंद हो गया है वेंट यहाँ पे, और अब यहाँ पे ये खुल गया है देखो, तो दोनों तरफ है ये। तो इसकी बेस्ट बात ये है कि अभी तो जैसे सर्दियाँ हैं, पर गर्मियों के अंदर बहुत हेल्पफुल होगा ये, जो एयर होगी, आई मीन नॉट फ्रेश एयर, पॉल्यूशन वाली एयर ही मिलती है हर जगह आजकल, जोक्स अपार्ट राइट, तो वो एयर आप ले सकते हैं, एंड गर्मी में आपको फिर पसीने भी नहीं आएंगे इसके अंदर और आप फ्रेश फील करेंगे राइट। एंड और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ही मतलब प्रीमियम हेलमेट पर देखने को मिलती है गाइस। यहाँ पर आपने खोला ये वाइज़र, ये प्लेन वाइज़र है जिसे आप रात में यूज़ कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको ये वाला गाइस देखने को मिलेगा सन शील्ड प्रोटेक्शन राइट। तो ये अगर आप चला रहे हैं दिन में और सनलाइट है तो आप इसको नीचे कीजिए ब्लैक इसको सन शील्ड को, और आपकी आंखों पे आपको चश्मा लगाने की और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप वाइज़र कीजिए और अपना बाइक चलाइए बड़े आराम से। ये वाली गाइस जो चीज़ है ये प्रीमियम हेलमेट्स में देखने को मिलती है, और इसमें इन्होंने दी है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये प्रॉपर गाइस स्मूथ भी है, बहुत स्मूथली ऊपर नीचे हो रही है, कुछ ऐसा नहीं कि कहीं आपको की प्रॉब्लम हो रही हो, फंक्शन दिया है तो वो अच्छे से काम भी कर रहा है। गाइस नीचे वाले वेंटिलेशन के साथ आपको एक यहाँ पर भी वेंटिलेशन मिल जाता है सिर के ऊपर, इसको प्रेस करेंगे
ये देखो अभी ये खुल गया, एंड अब इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये वापस बंद हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी एक गाइज अच्छी चीज़ है, एंड ये गर्मियों में बहुत काम आने वाला है। और गाइज अब तो हमने इसके बाहर के सारे जो फीचर्स है वो देख लिए जो कि बहुत प्रीमियम है। अब हम बात करते हैं गाइज इसके अंदर की, राइट, क्योंकि अंदर भी कम्फर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले गाइज इसका जो साइज़ है वो आप देख लीजिए, एम है और वो है 580 mm। ये हमें गाइज टोटल 5 साइज में मिलता है यहाँ पे, एंड एक होता है स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, और उसके बाद मिलता है लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, राइट। साइजेस सब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और गाइज आपको अपना जो साइज़ है वो कैसे मेजर करना है मैं बता देता हूँ। आपको एक स्टेप लेना है, वो अपने हेड के जो अराउंड उसको मेजर करना है अपने हेड को, उसका जितना भी गाइज आपका मेजरमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपना हेलमेट ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। तो अंदर से हम देखते हैं गाइज इसको, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है गाइज, काफ़ी ज़्यादा फोम दी हुई है इसके अंदर, और यहाँ से ये निकल भी जाता है, ये देखिए निकल गया और यहाँ से भी निकल जाएगा, ये साइड वाला ये भी निकल जाएगा। और यहाँ पे गाइज अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आप अपना माइक वाइक भी सेट कर सकते हैं, अगर किसी को व्लॉगिंग करनी है तो यहाँ पे अपना माइक वाइक सेट कर सकता है कैमरे के लिए। एंड यहाँ पे गाइज देखिए काफ़ी ज़्यादा मैश दी हुई है गाइज, इट्स वेरी कम्फर्टेबल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर से ही प्रीमियम, अंदर से भी अच्छी इन्होंने क्वालिटी दी हुई है गाइज। ऑफकोर्स स्टील बर्ड अच्छे हेलमेट ही बनाता है हमेशा, मुझे तो ये हेलमेट सही लग रहा है अब तक, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको लेके जाते हैं बाइक के ऊपर, इसको चलाते हैं, लगाते हैं, एंड फिर आपको मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगा कि ये मुझे कैसा लगा, सिर पे ज़्यादा हैवी लगा कि नहीं लगा, और कंफर्टेबल लगा कि नहीं लगा। तो चलो चलते हैं। A few moments later. तो गाइस आ गया हूँ मैं इसको टेस्टिंग करके, एंड दो वाइज़र हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सर्दियों के अंदर आप इसको पूरा बंद कीजिए तो फिर हवा अंदर नहीं आएगी, एंड ये वाला जो वाइज़र है ये सनलाइट में बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके बाद आप इसको ऊपर कीजिए आराम से, एंड बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हेलमेट है, ठीक है। यहाँ पर इसके बहुत अच्छा कुशन दिया हुआ है जिससे ये हेलमेट जो आपके सिर के ऊपर प्रॉपर फिट होता है, राइट। ग्राफिक्स तो इसके बढ़िया है ही, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड यहाँ पे इसमें एयर फ्लो का भी दिया हुआ है। तो अगर आप इसको खोलना है या बंद करना है आप कर सकते हैं जैसा भी मौसम है, और आपको अगर फ्रेश एयर लेनी है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर ऊपर भी एक वेंट है जिसको आप खोल सकते हैं जैसे मैंने पहले दिखाया। उसके बाद बहुत ज़्यादा लाइट वेट है गाइस ये, जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी, सिर के ऊपर बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता। तो गाइस इस हेलमेट को मैं यूज़ करने वाला हूँ बिकॉज़ आई लाइक इट। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस, बाय बाय।